ओके बच्चों, इट इज नो यूज टू गो टू द क्लास। बाजार देखने में बिल्कुल सही लगे, सेंटेंस करेक्शन में यही तो मसला है। हमें देखना होता है पहले तो क्या एरर है भी हमें, और अगर है तो उसको करेक्ट कैसे करें। शी फिनिश्ड टू डू हर वर्क, द रेड फोर्ट इज अ वर्थ वॉच प्लेस, इट इज हिलेरियस जोक, आई कुड नॉट हेल्प लाफ। तो सबसे पहले देखो, इट इज नो यूज टू गो टू द क्लास। बाजार सही लग रहा है, लेकिन इंग्लिश में एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज होती है जिसको हम कहते हैं जीरंड्स। यार ये एक बड़ा ऑसम रूल है, पास से भर के आए हुए सवालत। देखो, जीरंड्स वो वर्ड होते हैं जिनके बाद वर्ग के साथ आई एन जी आता है, और अगर इनके बाद टी ओ टू मौजूद है तो वो हट जाता है। यहाँ कोई जीरंड मौजूद है? जी हाँ, बिल्कुल मौजूद है। ये जो पूरा है, इट इज नो यूज इज जीरंड, तो ये मर जाएगा, मिट जाएगा। और इसके इसके बाद वाला क्या? टी ओ टू, ये हो जाएगा इट इज नो यूज, और वर्ब है आगे। जी हाँ, गो वर्ब है, गो के साथ क्या आ जाएगा? आई एन जी। इट इज नो यूज गोइंग टू द क्लास। ओके जी, शी फिनिश टू डू हर वर्क, बाजार से ही लग रहा है लेकिन कोई जीरंड है। जी हाँ, फिनिश्ड एक जीरंड है, तो टी ओ टू हट जाएगा और इसके साथ वर्ब के साथ आई एच जी टोइंग। द रेड फोर्ट इज अ वर्थ वॉच प्लेस, द रेड फोर्ट इज अ वर्थ, वर्थ एक जीरंड है तो वॉच एक क्या है? वर्ब है, इसके साथ आई एच जी आ जाएगा। वॉचिंग प्लेस इज अ वर्थ वॉचिंग प्लेस, क्या हो गया? द रेड फोर्ट इज अ वर्थ वॉचिंग प्लेस। It is hilarious joke, I could not help laugh. अब देखो, it is hilarious joke, I could not help. Can not help हो चाहे could not help हो, ये भी जीरंड होता है। तो अगर इनके बाद कोई verb आएगा तो उसके साथ भी क्या लग जाएगा? ing लग जाएगा। ये laugh से क्या हो जाएगा? Laughing। ठीक है, ये हो जाएगा laughing।